तो सनातन का वही तो प्रिंसिपल अभी जो आप देख रहे हैं दुनिया भर में लोग आक्रमण कर रहे हैं, है ना, सनातन धर्म पे। अब आज तक तो केवल वर्चुअल था, लेकिन अब तो फिजिकल भी हो रहा है। लेकिन उसके उपरांत हम इससे ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि सनातन का वही है कि हम इन सबसे ऊपर आएंगे। चले हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। और पहला अध्याय मैंने सोचा था उस का हम पाठ करेंगे, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि भगवद गीता है क्या? बहुत लोग नहीं जानते। तो दरअसल बात क्या है कि जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा, तो महाभारत जो है दुनिया का सबसे लंबा कविता है, पोएट्री संस्कृत में। तो उसका दो अर्थ होता है कि एक, दुनिया में आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं किया कि महाभारत के लेवल पर पोएट्री लिख सके। कितने बड़े बड़े हुए हैं पोएट किसी भाषा में, अटेम्प्ट भी उन्होंने नहीं किया। उतना बड़ा चीज है महाभारत। और हम बोलते हैं महाभारत में केवल लड़ाई है, वो बात नहीं है। तो महाभारत का एक है हिस्सा भीष्म पर्व, उसमें यह है श्री कृष्ण जी का वचन, उन्होंने वचन कहा जो अर्जुन को, वह है भगवद गीता। और क्यों कहा वचन, बहुत आवश्यक है जानना। हमारे श्रोता उनसे छोटे हैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जानना कि भगवद गीता है क्या। तो मैं सोच रहा था कि हम कैसे बताएं और कैसे अपने जो श्रोता है ऑडियंस को कि बड़ा सरल में कि वो समझे कि है क्या। लेकिन बहुत इजी है, बहुत सरल है समझना कि जब श्री कृष्ण जी गोकुल से गए कंस का, उन्होंने तो उन्होंने कू किया था, उसका दी एंड किया। उसके बाद उनका मुलाकात हुआ जो कौरव पांडव है कजन से, एक साइड कौरव है, दुर्योधन दुशासन इत्यादि कौरव, और पांच पांडव। पांडव अगर बेसिक में देखा जाए तो पांडव जो लोग हैं अच्छे लोग हैं, और कौरव लोग जो है वो बुरे लोग हैं, और कजन से खून का रिश्ता उनका। तो कौरव लोग पांडव के ऊपर अत्याचार करते थे सभी तरफ से, घर से खदेड़ दिया, जमीन नहीं दिया, बोला कि वनवास में रहो तुम, अज्ञातवास में रहो। अर्जुन जो है वर्ल्ड का सबसे टॉप आचार धनुषबाण वाला, उनको एक स्त्री का रूप बनाकर एक साथ रहना पड़ा, ये शर्त था। तो पाप उनका इतना बढ़ता गया कि एक सीमा होता है ना पाप का। तो जब दुर्योधन दुशासन ने अपने भाभी के ऊपर अपमान किया, आक्रमण किया, उसके पीछे पड़ गए, और ये जो पांच पांडव है वो सब उनका मूड नीचे अब बीच सभा में भाभी के ऊपर अत्याचार करते। और जो श्री कृष्ण नहीं होते तो वो तो वैसे ही मर जाते। तो फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन कौरव ने कहा कि सुई के नोक के ऊपर जितना जमीन अटेगा उतना भी नहीं देगा। तो ये ना फिर वही बात है, कजन कजन अगर समझने की बात करूं तो। उसके बाद वैसे जो हमारे लोगों पर हो रहा है आज, वही चीज हो रहा है। तो जब ये हुआ तब महाभारत युद्ध तो होना ही था, क्योंकि अगर ये कजन अपने परिवार में इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो जो उनका प्रजा था जो और सब्जेक्ट था और लोग रह रहे थे उनके प्रजा में, उनके ऊपर क्या करते होंगे बताओ मुझे। अभी जो हो रहा है ना पाप हो रहा है, वही पाप था। तो पहला श्लोक हम देखते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। तो लेकिन ये यही है कि कजन्स के कर्ज को हमला किया और फिर युद्ध तो होना है। तो पहला श्लोक, धर्म से श्रेष्ठ क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवा मामका पांडव चैव्या किम कुर्वत संजय। पहला भगवद गीता का श्लोक,
अर्थात धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या कहा। और कई लोग बोलते हैं कि ये देखने में तो बड़ा छोटा सा पुस्तक है, और कई लोग बोलते हैं बड़ा इजी है, और आप कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आप कहीं मरनी में जाओ 10-15 मिनट में गीता खलास, जल्दी से पढ़ के दी एंड, फिर उसके बाद क्या होता है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं क्या होता है उसको। लेकिन पहला श्लोक कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप देखिए कि धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, वो बोलता है संजय से। अब संजय कौन है? संजय है वेदव्यास जी, उसके जो वेदव्यास जी महाभारत लिखा या नरेट किया उसने, और श्री गणेश जी ने अपने दांत को तोड़ के लिखा, तो वेदव्यास जी के वो स्टूडेंट है, डिसाइपल है। तो धृतराष्ट्र संजय से बोलता है कि युद्ध के भूमि में क्या हुआ, और धृतराष्ट्र और संजय उन दूर बैठी ने कुरुक्षेत्र युद्ध बैटल फील्ड में लोग नहीं है, दूर है। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं लाइव, हम करते हैं लाइव कास्टिंग स्ट्रीमिंग, संजय के पास वो टेक्नोलॉजी था। ज्यादातर हम देखते हैं हमारे जो पुराण में कुछ भी कथा होता है कि कोई उड़ता है, पहाड़ उठाता है, ये करता है, वो करता है, तो ज्यादातर लोग सोचते हो कि कोई मैजिक है, मैजिक नहीं है। अभी अगर यहाँ दुनिया 10,000 साल बाद लोग देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे, तो मैजिक थ्रो कर रहे थे, जो लाइव स्ट्रीमिंग फॉर एग्जांपल, वो मैजिक थ्रो टेक्नोलॉजी, उसको बनाया जाता है, लोग बनाते हैं। तो उसी प्रकार का संजय के पास, तो संजय दूर बैठा है लेकिन उसको दिख रहा है कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है, और वो धृतराष्ट्र को बता रहे। धृतराष्ट्र बेचारा पिता है और देख रहा है कि मेरे पुत्र जो है वो जानता है खराब है, लेकिन पुत्र वो मोह में फंसा है, अपने बेटा का साइड ले रहा है, भले बेटा भाभी पे अत्याचार कर। पहला श्लोक इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो धृतराष्ट्र अब दूर से देख रहा है, संजय भी देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है। तो फिर है बोलते हैं कि तो संजय बोला कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचा कर पांडवों के सेना को देखा है, और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कह रहा है। अब दुर्योधन के पास तो सब कुछ है, ज्यादा सेना है, एक से एक बड़े लोग है उसके पास। अब यह बोलता है दुर्योधन, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह कर खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। तब अब दुर्योधन का भी काम ही वही है, अब घमंड में बोल रहा है कि देखो हमारी सेना कितना बड़ा है, और इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन समान शूर्य वीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शौभ्य पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु यवंग द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो उनका गिना दिया, अपना गिना रहे। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्व तथा विक्रण और सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र से सुसज्जित और सबके युद्ध में चतुर भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना वह सब प्रकार अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। तो अपने बड़ाई ये खुद कह रहा है कि मेरे पास ये है या है बता रहे हैं। इसलिए अब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे, और आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह भी बड़े ज्ञानी गुरु हैं, लेकिन वो फिर मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे एक बार क्या हुआ कि कर्ण जो है वो भी बड़े योद्धा हैं और वो भी कौरवों के साइड है,
और वो एक बार श्री कृष्ण से बोलता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन मैं अर्जुन से, पांडव से मैं कभी किसी बात में जीतता क्यों नहीं, क्योंकि ये महाभारत तो एक युद्ध था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बार कोशिश किया कि उनको नीचे गिराने का। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं तो आप अधर्म के तरफ हो, लेकिन तो कर्ण, उसका कर्ण का बहाना देखिए, तो कर्ण बोलता है कि जब मुझे कोई नहीं पूछता था, आप जानते हैं कर्ण का जो जन्म है, माता पिता उसको नहीं पता था कौन है, तो कर्ण पूछता है कि जब मुझे दुनिया नहीं पूछता था, तब दुर्योधन ने देखो मुझे राजा बनाया, यह दिया वह दिया, इसलिए मैं उसका साइड हूं। लेकिन श्री कृष्ण फिर बोलते आप अधर्म, अधर्मी के साइड, जो लोग पाप करते आप उसकी तरफ, इसलिए आप हारते। आगे बतलाते हैं, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द भयंकर उठा। इसके अंतर सफेद घोड़े युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। और युद्ध में श्री कृष्ण ने कहा था कि भले आप लोग युद्ध करना जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो तो अकेले निपटा देते सबको, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। और दुर्योधन ने उसका पूरा सेना ले लिया और श्री कृष्ण अर्जुन के तरफ वो थे। और अर्जुन का आप देखिए, अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है, श्री कृष्ण जी। और अर्जुन का भी देखिए, अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण जी कुछ उसमें है शक्ति, लेकिन फिर भी भगवान से अपना रथ हका रहे, अपना ड्राइवर जन बनाए, तो उसका पूर्ण ज्ञान नहीं था, उनको पूरा नहीं पता था कि ये है कौन श्री कृष्ण जी। तो फिर जो रथ पर बैठे हैं श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी अपने शंख को बजाते हैं, और उनके रथ के एकदम ऊपर कौन है, हनुमान जी, उनका जो झंडा है, सुन झंडा लहराते हैं, उसी प्रकार रथ के ऊपर भी हनुमान जी का झंडा। तो श्री कृष्ण जी महाराज पंचजय नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम सेन ने पांडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टधुमन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। बहुत बहुत सारे जो पात्र है महाभारत के कैरेक्टर्स का नाम आ रहा है, उसमें हम नहीं जा सकते अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा कविता है, लेकिन मैं हर दम कहीं भी हम करते हैं कथा या वीडियोस पर हम बताते अपने लोगों को कि आप पढ़ो, हिंदी नहीं आता कोई बात नहीं, इंग्लिश ना पढ़ो, इंटरनेट पे सब कुछ है, आप पढ़ो। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए दृश्य धर राष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर दिया। मतलब बहुत भयंकर से ये शंख दोनों तरफ से अब बज रहा है। अर्जुनवाच श्लोक आता है कि सेन योरहो भूर्यध्य रथम स्थापहे मेयाचित्तहा। हे राजन, अर्जुन कह रहा है। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण जी महाराज या वचन कहे कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तब दोनों तरफ से, जैसे आजकल आप फिल्मों में देखते हैं कि अगर आप सोचो
अपने दिमाग में कि दोनों ओर एक बहुत बड़ा विशाल बैटल फील्ड है, दोनों ओर बड़े बड़े हाथी घोड़ों के साथ बड़े बड़े सेना है। अब अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण से कि मेरा रथ हाँक कर एकदम बीच में ले जाओ। अब वही बात है कि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो तो ड्राइवर बना लिया है, तो उसको अब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, ओडा दे रहे कि आप रथ को खींच कर जाओ। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं और इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए, और जब तक मैं देख ना लूं अच्छी तरह से अब रथ को हिलाना नहीं वहां से। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राज लोग सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जब इसे मैंने कहा कि दो कजन भले हैं लेकिन जब युद्ध का समय आया, जैसे अभी अभी हो रहा है युद्ध एक चल रहा है और लोग अपने अपना सेना बटोर रहे हैं ना, तो जो हम पढ़ते हैं अपने शास्त्र में वो सब अभी भी दुनिया में हो रहा है। तो फिर राजाओं ने कौरवों ने कुछ राजा से बात किया, उन्होंने अपने सेना लाए, पांडवों ने अपने सेना लाए, तो ये अब अर्जुन कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन उस पापी के तरफ है। जैसे अभी युद्ध होता है तो लोग एक स्टैंड पॉइंट लेते कि नहीं, कहा हम इसके तरफ है या हम उसके तरफ है, ये देश यहां सेना भेजता है ये देश वहां सेना भेजता है, तो ऐसे हुआ। तो आगे हम देखते हैं, तो संजय धृतराष्ट्र से बोलता है कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। देखने लगा। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचे दादे परदादे गुरुओं मामा भाई पुत्र पौत्री तथा पौत्रों तथा मित्रों ससुरों और सुहंदों को देखा। तो अब देख रहा है कि उस तरफ कौन है, हमको किससे लड़ना है, और ये अब देख रहा है कि जिससे मुझे लड़ना है वो तो सब परिवार है, जानने वाले हैं। आगे है कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। तो अर्जुन जो है बहुत दुख में हो जाता है। तो अर्जुन वाच श्लोक आता है कि दुष्मे महासंजम कृष्ण युत्सवा संपूर्णस्तमा सीदन्ति मम गायत्री मुखिम चा परुष्यन्ति ही वेपयुष्य शरीरे में रोमहर्षे जायते। अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, युद्ध श्रेष्ठ क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जा रहे हैं और मुख सूख जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन अब जैसे हम बोलते हैं पूरा तरह से ये ठंडा हो गया, वर्ल्ड के दुनिया के नंबर वन धनुर्धारी आचा इससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो पूरी तरह से ढीला हो गया। हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, धनुष जो उसका है गिर गया, और त्वचा भी बहुत जल रही थी तथा मेरा मन भ्रमित सा हो गया, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता कि नहीं, कितने बार हम बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता हम करें क्या, होता है कि नहीं, हम अर्जुन हम बन जाते, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख। तो जैसे मैंने अभी कहा कि कर्ण जो है वो जस्टिफाई कर रहा था कि वो दुर्योधन के
तरफ क्यों है, वो कारण बता रहा था कि दुर्योधन के साइड में क्यों हूं। इसी तरह से अब अर्जुन जो है बता रहा है कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य चाहता हूं, राज्य का सुख नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो बोलता है कि अपने मेरे परिवार को मैं मार कर मैं राज्य की सुख नहीं चाहता, वो तो एक बात। और दूसरा बात ये भूल रहा है, दुर्योधन ने कहा है कि सुई के नोक के ऊपर जितना जमीन है उतना नहीं मिली, तो मिली नहीं तो रही कहां पे। ये सोच नहीं रहा कि मैं रहूंगा कहां। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। तो ऐसे मैंने कहा कि ये कजन्स हैं, ये साथ में पले बड़े हैं, हमारे साथ भी होता है ना, साथ में तो पला बड़ा जाता है कजन्स लोग। और वही बात देख रहा उधर, अरे तो मेरा परिवार जन है, मैं इससे कैसे लड़ू। वही बात फिर दोहराता। और अगर आप पढ़ना श्रीमद् भगवद गीता तो आपको लगेगा कि कई बार बात रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि हमको समझने में समय लगता है ना। और श्री कृष्ण जी बतला रहा है अर्जुन को, एक बात आप देखना कई बार बता रहा है कि अर्जुन समझे। हे मधुसूदन, अर्जुन बोल रहा है कि मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य भी मिल जाए, इन सबको मैं मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या होगा। लेकिन वो जान नहीं रहा है कि अगर मैं नहीं लड़ूं तो दुर्योधन क्या करेगा अर्जुन का युद्ध भूमि में। वो तो एंड कर देगा ना अर्जुन को, छोड़ेगा धनुष तो नीचे बिक दिया उसने। और उस समय के इवन अभी आजकल के जो अस्त्र शस्त्र होता है, आप उसको उठा ले तो मैं जानू, उसके उठाना एक काम है। जैसे जो बंदूक है, बो एंड एरो, वो सब है, वो उतना गढ़ू होता है, उसको उठा लो तो फिर चलाओ। चलाने की तो बात दूर की, पहले उठा लो। तो ये तो दूर रखा है इसका, गिर गया धनुष तो दुर्योधन तो इसका दहन कर देगा। हे मधुसूदन, मारने पर भी अथवा तीनों लोक का राज्य मिले, मैं भी इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए मैं इनको क्यों मारूं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको क्या मिलेगा, क्या प्रसन्नता, क्या खुशी मिलेगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। तब वही बात, करण वाली बात जस्टिफाई करा कि क्यों मैं नहीं लड़ूंगा। अत्यव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरुद्ध करने में पाप को नहीं देखता है, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पार पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करते। अब श्री कृष्ण को बता रहा है अर्जुन कि काहे नहीं हम लोग अच्छा लड़ाई नहीं करी, युद्ध नहीं करी, इससे हटने की कोशिश करी। वो तो एक बात तुमने कह दिया। और अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक करें तो ये दुर्योधन लोग तो एक से एक इनके ऊपर अत्याचार करे। ये भूल, अर्जुन अब भूल रहा है सब कुछ कि कितना अत्याचार उन्होंने कर दिया था। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब क्या होता है, जैसे हम हमारे साथ होता है, अब युद्ध भूमि में अर्जुन को, अर्जुन का धर्म क्या है, युद्ध करना ना?
और अब वो बोल रहा है कि कहीं नहीं, हम लोग युद्ध नहीं करिए। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता। तो वो अपना धर्म निभाने के बदले वो क्या कर रहा है, वो आगे की सोच रहा है। मैं हरदम कहता रहता हूं कि हमको फोकस करना है क्या, जो अभी हो रहा है उसमें हमको ध्यान देना है कि हमको अभी क्या करना है। इन्हें की भ्यान परसो नरसो, वहां पर क्या हुई, देवता बात क्या हुई, वहां पर रहोगे तो यहाँ जो है यहाँ से आप फेल हो जाओगे। अपना धर्म जो जो आपको करना है वो आप नहीं कर पाओगे। तो वही अर्जुन कह रहा है, वो युद्ध करने के बजाय उसका दिमाग और कहीं ना चला, और श्री कृष्ण नहीं होते तो दुर्योधन तो उसको समाप्त कर देते। वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण विकसित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे पितृ के बारे में कहा, और एक बार मुझे ख्याल आ रहा है कि जैसे कर्ण का हम बात कर रहे हैं महाभारत में, तो कर्ण जब मृत्यु उनका हुआ और वो पहुंचा स्वर्ग लोक, तो उनको खाने पीने के लिए उनको सोना मिला चांदी मिला, तो कर्ण बोला मैं सोना चांदी थोड़ा खाऊंगा। तो इंद्र बोलता है कि आप धरती पे थे, आपने तो एक अनाज कुछ चढ़ाया नहीं, अपने जो पितृ थे उनके लिए तो चढ़ाया नहीं। तब उनको भेजा, कर्ण को भेजा कि आप जाओ पितृपक्ष के समय, पितृपक्ष 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 कई नाम है, इस समय आप आओ दो हफ्ता, इस समय आप श्राद्ध करो। और जैसे मैंने कहा कई लोग नहीं करना चाहते या नहीं कंफर्टेबल है करने में, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो आप कर ही सकते हो। और भी महात्म हम पढ़ेंगे तो महात्म में आप गीता का फल कैसे कैसे होता है, आप पढ़ने में होता है, सुनने में होता है, देखने में होता है, छूने में होता है, कई तरह से उनका उसका फल आपको मिलेगा। तो वो तो भक्ति का बात है। और फिर जो मैंने, आप जानते हैं छोटे से मेही में है, पिताजी बैठे हुए उनको देंगे कुछ शब्द बोलने के लिए, तो छोटे से इसमें है और अन पर्सनल लेवल श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ोगे, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ोगे, मैंने कहा, लेकिन आप घर जाना आप शुरू कर देना एक रोज कुछ ना कुछ पढ़ना। तो आप जब पढ़ेगा आप कैसे लगी कि जितना क्वेश्चन आपका है जिंदगी का उसका आंसर मिल रहा है, ऐसे आपको लगेगा। अगेन गारंटी यू, आप ट्राई करना। और क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, वो उसने कहा है, वही है गीता, और वो अर्जुन को बता रहा है। और अर्जुन को क्यों बता रहा है? क्योंकि अर्जुन इज फेलिंग ऑन हिज ड्यूटी, उसको जो धर्म उसको जो करना है वो फेल हो रहा है, इसलिए श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे। और हम भी तो फेल होते हैं ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत आवश्यक। आगे बतलाते हैं कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कर्म धर्म कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। अब अर्जुन का मन, जिसे मैंने कहा कि वो जा रहा है उतना जा रहा है कि अब वो सोचता है कि जितना मैं हूं मेरा जितना पीढ़ी वो सब नरक में रहेंगे, उतना तेज से उसका दिमाग चला। श्लोक आता है, आहो बता महत्पापम कृत्यम व्यासिता व्याहम यद्राज है सुख लोभना हंता स्वजना मुद्यता। हाँ शोक लाभ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करते हैं, तैयार हो जाते हैं। हे जो राज्य और सुख को लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित यवंग सामना ना करने वालों को शस्त्र हाथों में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह
मरना भी मुझे अधिक कल्याणकारक है। तो अर्जुन अब बोल रहा है कि भले दुर्योधन मुझे मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ रहा था तो यहां का आया दुर्योधन लोग तो वैसे भी मार देता उनको, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा था खास करके द्रौपदी पर जब अत्याचार हुआ, वो ब्रेकिंग पॉइंट था। से होता है ना कि कई इश्यूज होते हैं, कई विषय होता है, लेकिन एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां पर प्रेशर रिलीज होता है। तो वही था द्रौपदी के साथ। तो संजय वाच अंतिम श्लोक हम श्रवण करते हैं। यौ मुक्ता अर्जुनः संघैः रथोपस्या उपहाविष्यता विसृजया शरम चापम शोक सम विग्रामानसः। अर्थात संजय बोलता है गिरण भूमि में शोक से उद्दित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गए। तो धनुष तो छूट गया उनका, रथ के पीछे बैक सीट वहां चला गया, उसको फ्रंट में लेके युद्ध करना है लेकिन वह पीछे। तो और दुनिया का नंबर वन धनुर्धर ये आचा, जिसको सेना को लीड करना है, वो सबसे पीछे। तो उस समय श्री कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। और खास करके जब किसी का मृत्यु हो जाता है हम श्री कृष्ण जी के शरण में आते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया गीता का ज्ञान। और यहाँ पर ये पहला अध्याय का अंत, और यहां से लेके 18 अध्याय तक श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाएंगे, अर्जुन अपना धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, कई तरह से उनको बताएंगे, कई ज्ञान इसमें आता है, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। अगर फिर कोई बुलाए, आप बुलाएं, तो हम आगे बता सकते हैं कथा, बहुत विस्तार कथा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महाभारत का एक अंश है। लेकिन एक बेसिक मैसेज हम ले सकते हैं कि अपना जो धर्म है, और धर्म का अर्थ मैंने पहले भी कहा है, धर्म का अर्थ है कि आपको क्या करना है, ड्यूटी क्या है, वही धर्म है। धर्म जानोगे फिर जो आप करोगे वो तो कर्म बनता है। लेकिन ड्यूटी नहीं पता है, और पता ही नहीं है क्या करना है, और तो जब वो नहीं पता है तो क्या करोगे, तभी तो दुनिया में संकट है। तब जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, तो वो उपदेश ना कि केवल कुरुक्षेत्र में अर्जुन के काम आया, बल्कि उसके बाद पूरा विश्व, द होल वर्ल्ड। अब आप देखते हैं, अब तो सोशल मीडिया के कारण हमको कई ज्ञान पता लग रहा है कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, वो भगवद गीता पढ़ते हैं संस्कृत पर। जैसे जब मैंने भी संस्कृत श्लोक कहा, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय हमने प्रयास किया था और हो गया था अच्छी तरह से, तो लोगों ने उससे कहा कि आप ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता, वो संस्कृत श्लोक है। हमारे जो ग्रंथ है वो संस्कृत है, उसके बाद में फिर हिंदी तो मुख्य भाषा है, और भी भारत के अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी इत्यादि कई भाषाओं में भगवद गीता को ट्रांसलेट किया गया है, रामायण को भी किया गया है, लेकिन भगवद गीता, ऐसे मैंने कहा, खास करके जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम श्री कृष्ण जी के शरण में जाते हैं, कि क्योंकि वही बात होता है। और खास करके जब किसी का मृत्यु होता है, अपने घर में होता है, तो हमको पता नहीं चलता ना कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं समझ में आता। कितनों बड़े से बड़ा आदमी हो, उनके घर में हो जाए घटना, तो बहुत बहुत दुख की बात। इसलिए हम श्री कृष्ण जी के शरण में आते हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ पर हमने आपने बड़ा अच्छा आयोजन किया, अपने पिता के लिए, ससुर जी के लिए, उनकी याद में हमने किया। तो श्लोक से अंत किया जाता है अध्याय, उसको हम श्रवण करते हैं।
ओम तत्सदित ज्वलित ओम तत्सदित श्रीमद भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। एक बार बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे वर कृष्ण की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। यहाँ पर जो पहला अध्याय है वह अंत होता है, और वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो श्री कृष्ण जी ने वो संस्कृत में श्लोक कहे, लेकिन फिर जो जो भगवद गीता प्रसिद्ध है तो उनमें क्या किया हमारे ज्ञानी जनों ने, एक एक अध्याय 18 अध्याय 18 से हमने प्रथम अध्याय श्रवण किया, तो फिर एक एक अध्याय के बाद हमारे ज्ञानी जनों ने एक एक अध्याय का महत्तम मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है वह समझाने के लिए वह जोड़ा। तो पहला अध्याय का महत्तम हम श्रवण करते हैं कि एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहते हैं, पूछते हैं, मृगछाल ओढ़े सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प नाग मुंड की माला पहने हुए, इनमें कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब शिव पार्वती संवाद हमको सुनने को मिल रहा है। यह आप कृपा करके कहिए हे महादेव जी। हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करो और पवित्र माने जाओगे, और इस ज्ञान से मुझे बाहर का कर्म व्याप्त नहीं। तो श्री शिव शंकर जी भगवान बतलाते हैं कि हम गीता का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी जो गीता ज्ञान कहा उसका हम ध्यान करते हैं, इसलिए हमको भले हमारे पास सांप है शमशान का राख है ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान को आप स्तुति करते हो उसके श्रवण करने से कोई कृतज्ञ हुआ है? हे महादेव हमको बतलाइए। तब श्री शिव शंकर जी भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूं। तो शिव शंकर जी भगवान बतलाते हैं कि तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्ता है जो पुरुष तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। अब शिव शंकर पार्वती का वार्तालाप था, अब मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का अब संवाद है। अब मां लक्ष्मी बोल रहे कि आप तो हंस में सोते रहते हो तो ना, और फिर बोलते हो कि सोना नहीं चाहिए, तो ये कुछ फिट नहीं बैठता बात, ये क्या है रहस्य है? श्री नारायण जी, प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद लेते हो या मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता, एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसका आकार रूप है, तैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता को अंग को 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11 अध्याय मेरा हृदय है और 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18 अध्याय मेरे चरण है, गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वह मेरे रोम है। ऐसे मेरे शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोलती है कि हे नारायण जी, अब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतज्ञ हुआ है सो मुझको कहो। तब शिव शंकर जी भगवान ने वही बात बोला कि गीता का ध्यान हम करते हैं इसलिए हमको कुछ बाहर का चीज हमको अफेक्ट नहीं करता। नारायण जी बोलते वही बात कि और सब कुछ हमको नहीं कुछ करता क्योंकि गीता के ज्ञान मुझ में है उसका ध्यान हम करते। तो महालक्ष्मी बोलती है कि इससे किसी का फायदा हुआ है कभी?
तब श्री नारायण जी कहते कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं, तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चरने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया और जिसने वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगा। फिर बैल का जन्म हुआ। फिर बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। या भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता है और जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसको खाने पीने को कुछ ना दे और कुछ थोड़ा सा भूखा भूसा उसके आगे डाल दे। तब जब दिन चढ़ने लगा फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। मतलब एनिमल अब्यूज से कर रहा है, जानवर को पाला है लेकिन उसको कुछ दे नहीं रहा खाने को खास। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा किंतु प्राण नहीं निकलते। नगर के लोग देखा करते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटते। इस कलयुग में भी ऐसा होता है कि नहीं, कई लोगों का जो है वो प्राण ही नहीं निकलता। बेचारे कई दिन तड़पते, कोई कुछ से कुछ कर दे। इसलिए जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो तो उनको गीता का जो ज्ञान है इसलिए सुनाया जाता है कि अगर उनका प्राण जो है तकलीफ में निकलने के लिए तो निकल जाए आसानी से। तो एक दिन एक गणिका आई और उसने लोगों से पूछा कि कैसी भीड़ है। तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल हमने दे दिया, जो भी इसका मुक्ति नहीं होता है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया हूं। और इस ऐसा ही कहते उसका मुक्ति हुआ। तो अभी जो हम करेंगे, हम पुण्य दान करेंगे, गीता का पुण्य दान। वो इस गणिका ने किया, जो पुण्य था उसने दान दिया कि ये बैल को हम इसका पुण्य दान करते। तो बैल का जो है मृत्यु हुआ, प्राण छूटा। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और पिता के उसका नाम सुशर्मा रखा। तब जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया, तब उसको पिछले जन्म की शुद्धि रही, अति सुंदर हुआ। ऐसा एक दिन में मन में विचार हुआ कि इस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छोड़ा है, उसका दर्शन मैं करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझसे मुझको पहचानती है। गणिका ने कहा, मैं तुमको नहीं पहचानती, तू कौन है। मेरे तेरी एक पहचान है, तू विप्र है और मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसका तूने अपना पुण्य दान दिया था और मैं बैल की योनि से छूटा तो विप्र के घर जन्मा, तू वह अपना पुण्य बता। तो ये जो जन्म जन्म का फेरा है, पुनर्जन्म, उसका कॉन्सेप्ट इसमें है। और ऐसा आपके साथ होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को, आप आजमा के देखना, किसी व्यक्ति को आप दुनिया जिंदगी में पहली बार मिलोगे लेकिन आप उससे कनेक्ट कर लोगे। आप साथ होता है, ऐसा होता है मस्ट। और क्यों होता है, पिछला जन्म के, पिछला जन्म में कुछ हुआ होगा। और एक और चीज आप आजमा के देखना, आप कोई जगह जाओगे जहां आपको इस जीवन में आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पर आप पहले आए हो। ये भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। तो गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया है, परंतु मेरे घर एक तोता था, वह सवेरे कुछ पढ़ता था तो मैंने उसका वाक्य सुना। तो गणिका तो कुछ नहीं जानती पढ़ना, लेकिन वो सुनती थी। तो वही मैंने कहा कि सुनने से उसका फल मिलता है, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तो विप्र जानना चाहता है कि मैं क्या सुनकर हमारा जो प्राण है वो छूटा, वो जानना चाहता है। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था और पिता ने मुझे गीता का पहला अध्याय सिखाया था और एक दिन मैंने कहा मुझको गुरु के ने क्या पढ़ाया है। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हो गया और एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया और उसी विप्र के घर में
चोर घुस पड़े, उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ किंतु वह मेरे पिंजड़ा उठा कर ले गया। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले गई, सो मैं नित्य प्राप्त गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। वही गणिका ने सुना और गणिका की समझ में नहीं आया, जैसे मैं कह रहा था कि भले आपको समझ में नहीं आए लेकिन आपको पुण्य मिली। और इसका मैं बहुत अर्थ नहीं कर रहा हूँ, महात्म को आप अपने पढ़ सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत बहुत एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो बेसिक मैसेज है कि गणिका ने सुना और फिर उसने पुण्य दान दिया। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया है, वही ही श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण होगा। तो हे लक्ष्मी, विप्र ने इतना कहा कि वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म को छोड़ा, भले कर्म को ग्रहण किया, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। तो पहला अध्याय का महत्व यहाँ पर है। एक बार बोलिए, राधे और कृष्ण चंद्र की जय।